भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भीम महासंगम में समरसता खिचड़ी पकाई गई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में खिचड़ी जो पकाई गई उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। यहाँ पर हजारों लोगों ने पंगत में बैठकर भारी ठंड में खिचड़ी का सेवन किया। उल्लेखनीय है कि आगामी लोकसभा चुनाव और मकर संक्रांति से पहले भाजपा ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में समरसता खिचड़ी पकाकर पार्टी से दूर छिटक रहे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग को भी अपने साथ लिया। भीम महासंगम के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में 5000 किलो खिचड़ी पकाकर पंगत में बैठाकर खिलाई गई। आयोजन के लिए दिल्ली के 3 लाख अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति परिवारों के घरों से दाल चावल जुटाए गए थे और अब इस खिचड़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन रहा है। उल्लेखनीय है कि इसमें 500 किलो दाल चावल, 350 किलो सब्जियां, 100 किलो देशी घी, 100 लीटर तेल, 5000 लीटर पानी और 250 किलो मसाले डाले गए थे।